बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ आमना एंड टुडे वी विल अंडरस्टैंड अबाउट इवेंट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अच्छी सी बात मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। सबसे बड़ा जिंदगी में जो मोटिवेशनल टूल है वो है आप हर टाइम अपनी मौत को याद रखें। आपको ये याद रखना है कि आपने मर जाना है, ठीक है। जब आप ये याद रखेंगे तो क्या होगा कि आप कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप अपनी ज़िंदगी से मैक्सिमम गेन करेंगे और दूसरा आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करके जाएंगे। सो ये आपका मोटिवेशनल टूल है, इसको याद रखिएगा। आप स्ट्रेट अवे अपने लेक्चर पे आते हैं। सो इवेंट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है CSS PMS के स्टूडेंट्स के लिए। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें आपको कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर टू बता चुकी हूँ। आज हम लोग इवेंट्स, मेन इवेंट्स, एक्चुअली में क्या हुआ था कि दुनिया फिर से जंग की तरफ चली गई। इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने से पहले आपने ये मैप याद कर लेना है, देन उसके बाद आप इसको याद कीजिएगा। सो मैप याद कर लेंगे आपको पूरा का पूरा ये जो लेक्चर है अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो जाएगा। अच्छा, वर्ल्ड वॉर टू में सबसे मेन, सबसे इम्पोर्टेंट जो कंट्री था वो जर्मनी था, ठीक है। अब जर्मनी के इर्द गिर्द क्या है उसको अंडरस्टैंड कर लें। जर्मनी के राइट पे वेस्ट पर्सिया, ईस्ट पर्सिया और यहाँ पर आ गया पोलैंड। पोलैंड की लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि एक जो इवेंट होना है, सबसे पहला जर्मनी ने अटैक करना है पोलैंड पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट था जिसकी वजह से मजीद आगे जो वॉर थी वो चलती गई, ब्रेकआउट हो गई। सो इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे सीजो स्लोवेकिया, ये आ जाएगा, उसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी आ जाएगा, रोमानिया आ जाएगा, रशिया, रशिया भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, देन बल्गेरिया, यूगोस्लेविया। अगर हम लोग लेफ्ट की तरफ आए तो यहाँ पे रिनलैंड, ठीक है, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। रिनलैंड जर्मनी के लेफ्ट पे रिनलैंड, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक रीजन थी वर्ल्ड वॉर टू की, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। देन बेल्जियम है इस तरफ, स्विट्जरलैंड है, इटली है, ठीक है, इस तरफ फ्रांस है और देन स्पेन है। ये मैप बहुत इजी है, ठीक है, और इसको आपने याद करना है। अब अगर इस पूरे मैप के अगर मैं राइट साइड पे जाऊंगी तो यहाँ पर फिर टर्की स्टार्ट हो जाएगा, फलस्तीन स्टार्ट हो जाएगा, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ठीक है। तो ये सारे नीचे और राइट साइड पे ये सारे स्टेट्स आ जाएंगे। और अगर इस मैप के मैं लेफ्ट साइड पे जाऊं तो यूनाइटेड स्टेट्स के जो कंट्रीज हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो होपफुली यू गेट आइडिया कि इस मैप के मतलब इन कंट्रीज के राइट और लेफ्ट में कौन कौन से स्टेट्स और कंट्रीज आती हैं। अच्छा, अब जिस तरह वर्ल्ड वॉर वन दो पावर्स के दरमियान थी, बिल्कुल उसी तरह ये जंग भी दो पावर्स में है। पहली पावर अलायंस पावर, इसमें कौन कौन से कंट्रीज हैं? इसमें फ्रांस, यूके, यूएसए, यूएसएसआर, चाइना, पोलैंड, यूगोस्लाविया एंड ग्रीस, ठीक है। अच्छा, एक्सिस पावर, एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली और जापान थे। अब जो पहला इवेंट हुआ है, वैसे तो जो टाइमलाइन है वर्ल्ड वॉर टू की, दैट वाज फ्रॉम 1939 टू 1945, ठीक है। लेकिन 1939 से भी पहले एक इवेंट हुआ था जिसने ट्रीटी ऑफ वर्सले को डिसओबे किया था। वो इवेंट कौन सा था? वो इवेंट था जी रीमिलिटराइजेशन ऑफ रिनलैंड। देखो, ये जर्मनी का एरिया था रिनलैंड, ठीक है। यहाँ पे पहले होती थी आर्मी। ट्रीटी ऑफ वर्सले के मुताबिक ये डिसाइड हुआ था कि इस एरिया में जर्मनी अपनी आर्मी नहीं लेकर आएगा, क्लियर। लेकिन 1937 मार्च में हिटलर ने ये डिसाइड किया, ये जो रिनलैंड का एरिया है इसको रीमिलिटराइज कीजिए। उसने 20,000 ट्रॉप यहाँ पर भेज दिए और इसको रीमिलिटराइज कर लिया और इस तरह ट्रीटी ऑफ वर्सले को डिसओबे किया। तो ये पहला इवेंट था जो कि वर्ल्ड वॉर टू को ब्रेकआउट किया जिसने। ऑलराइट, दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सेकेंड इवेंट बेसिकली क्या था? जर्मन एनेक्सेशन 1938। जर्मनी ने एनेक्सेशन की, मतलब कि जर्मनी ने अब अटैक कर दिया है। किस पे अटैक किया जी? ऑस्ट्रिया पे अटैक कर दिया है और सिजैको स्लोवेकिया पे अटैक कर दिया है। अब जर्मनी में जो हिटलर था उसको ऐसा लगता था कि ये जो ऑस्ट्रिया का जो इलाका है यहाँ पे जर्मन्स रहते हैं और हिस्टोरिकली इसको जर्मनी का ही हिस्सा होना चाहिए, तो
जर्मनी ने अटैक किया ऑस्ट्रिया पे और इसको अपने कब्जे पे कर लिया। देन स्लोवेकिया, ये बेसिकली जर्मनी के जो बॉर्डर्स थे उनका यहाँ पे हिस्सा था और यहाँ पे भी कुछ जर्मन्स रहते थे, इसलिए जर्मनी को ऐसा लगा कि इस हिस्से पे भी जर्मनी का कब्जा होना चाहिए। सो जर्मन्स ने क्या किया कि स्लोवेकिया पे भी अटैक किया और इसको भी अपने कब्जे में ले लिया। अब थर्ड इवेंट क्या है, अप्रैल 8, 1940 पे जाने से पहले 1939 में एक इवेंट हुआ था, वो था जी जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक कर दिया था, उसको कहते हैं जर्मन इन्वेजन ऑफ पोलैंड, ठीक है वो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। यहाँ पे क्या हुआ है कि जर्मनी और यूएसएसआर इन दोनों ने सीक्रेटली ये डिसाइड किया कि पोलैंड पे हम करते हैं अटैक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको याद रहे कि फ्रांस और यूके इन दोनों ने पोलैंड की प्रोटेक्शन का प्रॉमिस किया हुआ था। अब अगर जर्मनी और रशिया अटैक करेंगे पोलैंड पे तो फ्रांस और यूके खामोश नहीं बैठेंगे। इससे पहले ऑस्ट्रिया और स्लोवेकिया पे जब जर्मनी ने अटैक किया है तो फ्रांस और यूके खामोश बैठे हुए हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन अब पोलैंड पे अटैक करने का ये लोग सोच रहे हैं। तो क्या हुआ है कि रशिया ने ईस्ट से पोलैंड पे अटैक कर दिया, ठीक है, और अपनी वीक आर्मी होने की वजह से जो पोलैंड था वो ज्यादा देर तक एग्जिस्ट नहीं कर सका और पोलैंड फाइनली जर्मनी और यूएसएसआर में डिवाइड हो गया। कुछ जो एरियाज थे पोलैंड के वो रशिया के कब्जे में चले गए, कुछ जो एरियाज थे वो जर्मनी के कब्जे में चले गए। अब जो यूके और फ्रांस थे वो खामोश नहीं बैठे, उन्होंने अटैक कर दिया किस पे, जर्मनी पे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हुआ है जी कि देखते देखते 1940 का टाइम आ गया है और जर्मनी जो सा है इसने मजीद आगे नॉर्वे और डेनमार्क की इन्वेजन कर दी है, नॉर्वे और डेनमार्क पे कब्जा करने की कोशिश की है। कुछ ही घंटों में डेनमार्क जर्मनी के कब्जे में चला गया और कुछ हफ्तों की स्ट्रगल में नॉर्वे जर्मनी के कब्जे में चला गया। अब बारी आती है फ्रांस की, फ्रांस ने ऑलरेडी अटैक कर दी है जर्मनी पे, क्यों, क्योंकि जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया था, दैट्स व्हाई यहाँ पर लड़ाई तो बनती थी। सो जब फ्रांस ने जर्मनी पे अटैक कर दिया तो वॉर जोन से थी ऑफिशियल जो वर्ल्ड वॉर टू थी वो ब्रेकआउट हो गई थी, ठीक है जी। इससे पहले जर्मनी सब कुछ कर रहा था लेकिन जब रिएक्शन आया है तो उस वक्त आप कह सकते हैं कि जो वॉर है वो ब्रेकआउट हो चुकी है। अब वर्ल्ड वॉर वन में जो जर्मनी था उसने नीदरलैंड और बेल्जियम के रास्ते के थ्रू फ्रांस पे अटैक किया था, जर्मनी ने बेल्जियम के रास्ते के थ्रू फ्रांस पे अटैक किया था। वर्ल्ड वॉर टू में भी यही काम हुआ है, यहां से इटली ने और यहां से जर्मनी दोनों ने फ्रांस पे अटैक कर दिया। फ्रांस पे अटैक किया है तो इवेंट कौन सा हुआ है जी, फॉल ऑफ पेरिस 1940, इसको फॉल ऑफ फ्रांस भी कहते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ जी, फ्रांस जो सा वो जर्मनी के कब्जे में चला गया, ठीक है। जैसे ही जो फ्रांस है वो जर्मनी के कब्जे में गया है, फौरन से जो जर्मनी है उन्होंने अटैक कर दिया, किस पे अटैक कर दिया है, उन्होंने ब्रिटेन पे अटैक कर दिया। सो इसको आप कह सकते हो बैटल ऑफ ब्रिटेन 1940। अब ब्रिटेन पे बहुत से अटैक्स किए हैं, बॉम्ब्स, ठीक है, इसके अलावा बॉम्ब्स का यूज हुआ है, टैंक्स का यूज हुआ है, जर्मनी की जो एयरफोर्स है उन्होंने अटैक किया। अब ब्रिटेन पे जर्मनी हर जगह अटैक कर रहा था, उनकी आर्मी पे अटैक हो रहा है, उनके सिविलियंस पे अटैक हो रहा है, उनकी इंडस्ट्रीज पे अटैक हो रहा है। अच्छा, ये अब याद रहे कि ये जो जंग है बैटल ऑफ ब्रिटेन की पहली जंग थी दुनिया की जो कि आसमान पे लड़ी जा रही थी, जर्मनी के जहाज ब्रिटेन के जहाज, ठीक है, आसमान पर आपस में लड़ रहे थे। So, ये सारे इवेंट्स होते हैं 1940 तक, ये सारे इवेंट्स हो गए हैं। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है, 1940 तक जो एक्सिस पावर थी उसमें जर्मनी था, इटली था और जापान था। अब इनके साथ रोमानिया, बल्गेरिया और हंगरी, ठीक है, ये तीनों जोन से हैं, ये भी इनको ज्वाइन कर लेंगे। मैं रिपीट कर रही हूं, हंगरी, रोमानिया और बल्गेरिया, ये भी एक्सिस पावर को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। अब जब इन्होंने एक्सिस पावर को ज्वाइन कर लिया है तो फिर क्या होगा, फिर जो जर्मनी है वो अटैक कर सकेगा किसको, यूगोस्लाविया को, और इसको अपने कब्जे में ले लेगा। इसके बाद ग्रीस पे अटैक करता है और उसको भी अपने कब्जे में ले लेता है।
इस टाइम में जो ब्रिटिश के फोर्सेस हैं वो इजिप्ट के रास्ते के थ्रू जो इटली की फोर्सेस हैं उनको पुश बैक करने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ जो जर्मन फोर्सेस हैं वो इजिप्ट के थ्रू ब्रिटेन की फोर्सेस को पुश बैक करने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है। मुकाबला अभी जारी है। देन यहां तक पूरे यूरोप में इस टाइम हिटलर मींस के जर्मनी का कब्जा हो चुका होता है। देन हम बात करते हैं 1941 की। यहां पर होता है जी ऑपरेशन बर्बरोसा। ऑपरेशन बर्बरोसा बेसिकली किसे कहते हैं? जर्मन इन्वेजन ऑफ सोवियत यूनियन। अब जर्मनी ने अटैक कर दिया है रशिया पर, ठीक है। जर्मनी अटैक रशिया। ये जो ऑपरेशन बर्बरोसा है ये आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है। इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है? क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा जमीनी हमला था। इसमें बहुत सी आर्मी का यूज किया गया था। लेकिन रशिया की जो खुशकिस्मती थी वो ये थी कि रशिया में जैसे ही सर्दी आती है वहां पे कोई भी आर्मी एग्जिस्ट नहीं कर पाती। यही हुआ जर्मनी की आर्मी के साथ। जर्मनी की आर्मी ने इन्वेड तो कर दिया रशिया में, बट वहां पर विंटर्स आ गए, ठीक है। और इसलिए जो जर्मनी की आर्मी थी वो रशिया में ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकी। अभी तक मैंने आपको एक्सिस पावर की दो स्टेट्स के बारे में बताया है। एक आपको इटली के बारे में बताया, एक मैंने आपको जर्मनी के बारे में बताया। अब हम बात करते हैं जापान के बारे में। जापान भी एक्सिस पावर का हिस्सा था और जापान ने अटैक किया चाइना पे, जिसको आप कहते हो सिनो जापानीज वॉर, ठीक है। फर्स्ट सिनो जापानीज वॉर एंड सेकंड सिनो जापानीज वॉर, ये क्या थी इन पे अलग से एक वीडियो बना दूंगी आपको। यहाँ पे अगर मैं डिस्कस करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो सेकंड सिनो जापानीज वॉर जो थी ये स्टार्ट हुई 1937 में, ये स्टार्ट हुई है। और दिस वॉज अ वॉर बिटवीन जापान एंड चाइना, ठीक है। सो ये एक ऐसी वॉर थी जो कि जापान और चाइना में हुई है। अब जापान उस वक्त एशिया का बिगेस्ट इंपीरियलिस्ट बनना चाहता था, इसलिए उसने चाइना पे अटैक कर दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पर्ल हार्बर अटैक। ये जो बेसिकली अटैक था, ये अटैक किया था यूएसए पे जापान ने, ठीक है। क्यों किया था, रीजन क्या थी? रीजन ये था जी कि यूएसए ने जापान पे लगाई थे एम्बार्गो, ठीक है। जापान का जो ऑयल था वो रोक दिया था, जापान तक नहीं पहुंच रहा था, जिसकी वजह से जापान को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। इन रिटर्न जापान ने यूएसए पे क्या कर दिया, अटैक कर दिया। कब किया? 1971। दिस वॉज वेरी फेमस अटैक। 9/11 के बाद दूसरा सबसे बड़ा अटैक था जो कि यूएसए पे किया गया था। यहाँ पे बहुत सी कैजुअलिटीज हुई थी, बहुत से लोग मारे गए थे। यूएसए के जो जहाज थे वो खड़े खड़े ही डूब गए थे। पर्ल हार्बर कहाँ पर है कि बेसिकली यूएसए का ही एक स्टेट, ठीक है, जिसका नाम हवाई, ठीक है, वहां पर पर्ल हार्बर एग्जिस्ट करता था। यूएसए डिसाइड टू टेक पार्ट इन वर्ल्ड वॉर टू। अभी तक वर्ल्ड वॉर टू में यूएसए नहीं आया था, लेकिन 1942 में एंट्री ऑफ यूएसए होती है, किसमें जी, वर्ल्ड वॉर टू में। अच्छा, अब यहाँ पे एंट्री के बाद क्या क्या हुआ वो हम बाद में देखते हैं। ईस्टर्न फ्रंट की बात करते हैं। ईस्टर्न फ्रंट मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई जर्मनी और रशिया की भी आपस में अब लड़ाई शुरू हो चुकी है। जर्मनी ने अटैक कर दिया है रशिया पे, वहाँ पे बहुत सर्दी होती है, दैट्स वाई जर्मनी की जो आर्मी है वो वहाँ पर टिक नहीं रही है। रशिया की आर्मी ने जर्मनी की आर्मी को पुश बैक करना शुरू कर दिया, ठीक है। और इस तरह देखते 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 जो जर्मनी की आर्मी है, ठीक है, वो वहाँ पर नहीं एग्जिस्ट कर सकती और वहाँ से वो निकलना शुरू हो गए और बहुत से लोग वहाँ पे मरना शुरू हो गए। और नॉर्मेंडी लैंडिंग इन यूरोप 1944 में क्या हुआ कि जो अलाइड फोर्स है उन्होंने लैंड कर दिया है कोस्ट ऑफ फ्रांस, फ्रांस पर उन्होंने लैंड कर दिया फाइनली। अब जर्मनी को रिट्रीट किया गया है, तो 1945 में फाइनली जर्मन आर्मी सरेंडर, और उसके बाद जो हिटलर था उसने सुसाइड कर लिया था। और 1943 में इटली अटैक्ड बाय अलाइड आर्मीज, और जो इटली का डिक्टेटर था मुसोलिनी, ठीक है, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया था। इस तरह जर्मनी जो था वो भी कब्जे में आ गया, इटली जो था वो भी कब्जे में आ गया। अब बारी आती है जापान की। जापान के साथ यूएसए क्या करेगा वो देखते हैं।
Now, multiple battles between USA and Japan throughout the island of Pacific and Southeast Asia from 1942 to 1944. 1942 to 1944, there were a lot of battles in USA and Japan. Okay, USA ने बहुत से जापान के आइलैंड पे अटैक किया, ठीक है, और देखते 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 जापान हारता गया और यूएसए जीतता गया. इसके बाद ड्रॉपिंग ऑफ एटॉमिक बॉम्ब ऑन जापान, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट. अक्सर लोग पूछते हैं व्हाट इज हिरोशिमा नागासाकी, ये कोई बॉम्ब का नाम नहीं है, ये किसी न्यूक्लियर बॉम्ब का नाम नहीं है, ये बेसिकली सिटीज का नाम है, ये जापान की सिटीज है, ठीक है. सो ड्रॉपिंग ऑफ एटॉमिक बॉम्ब ऑन जापान, देन यूएसए ने डिसाइड किया कि जापान की मजीद इन्वेजन को रोकते हुए हम इन पे न्यूक्लियर बॉम्ब का अटैक कर देते हैं. तो ये दुनिया में पहला न्यूक्लियर बॉम्ब का अटैक हुआ था जो यूएसए ने जापान की दो सिटीज पे किया था. पहला जो अटैक था वो 6 अगस्त 1945 में किया हिरोशिमा पे, ठीक है. हिरोशिमा बेसिकली क्या है, ये किसी बॉम्ब का नाम नहीं है, ये जापान की सिटी का नाम, ठीक है. देन सेकंड जो अटैक था, सेकंड एटॉमिक बॉम्ब अटैक जो उसने किया है वो 9 अगस्त 1945 में नागासाकी पे किया था, और जिसकी वजह से बहुत सी कैजुअलिटीज हुई थी. और ये जो हिरोशिमा नागासाकी, यहाँ पे जापान की इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट करती थी और तकरीबन 1,29,000 से लेके 2,26,000 जो लोग थे वो यहाँ पे मारे गए थे इस अटैक से. मैं बार बार बता रही हूँ, ये पहला एटॉमिक बॉम्ब अटैक था दुनिया का जो कि यूएस ने जापान पे किया था. और ये इतना वर्स अटैक था कि आज भी जो बच्चे इन सिटीज में पैदा होते हैं वो उनमें बहुत सी एबनॉर्मलिटीज पाई जाती हैं और बहुत सी बीमारियां एग्जिस्ट करती हैं. दिस अटैक कंट्रीब्यूट टू एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू. इस अटैक ने कंट्रीब्यूट किया था वर्ल्ड वॉर टू को एंड करने में. देन वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म हो गई, इसके aftermaths क्या हैं अब हम वो देखते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट इवेंट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर टू. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन डू राइट योर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन बिलो एंड हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ यू हैवंट येट. मिलते हैं नेक्स्ट हॉट इशू के साथ. अंटिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा. स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़.